तुझे मैंने बेटे की तरह रखा, तूने मुझे गद्दारी करी, मुझसे धोखा। सीधी सी बात, एक तरीके से बेटे को मार दिया तो मूड तो खराब हो गई। गद्दार को इतनी बुरी मौत देता है, तेरे को पता है ना एल्बर्ट क्या काम करता है? क्या बात कर रहे बाबा? फ्रैंक, तूने गद्दारी की, आखिर क्यों? तुझे मैंने बेटे की तरह रखा, मुझे इतनी बड़ी माफिया का, इतनी बड़ी गैंग का मैंने बॉस बनाया, द ब्लड किंग्स। बहुत कमाल की और प्यारी माफिया थी और गैंग थी। बहुत सारे बंदर ने मेरे को सिफारिश करी कि हमको इसका बॉस बना दो, बट मुझे तू पसंद था इसलिए मैंने तेरे को उसका बॉस बनाया। तूने मुझे गद्दारी करी, मुझसे धोखा, तेरे को बेटा समझा और तूने बोला था मैं तेरी पापा की तरह हूँ, तो तूने फिर भी ये किया मेरे साथ। अफसोस, मुझे तुझे मारना पड़ेगा। ना फ्रैंक, मेरे को इस दुनिया में ये भी देखना था, सोचा था कि मेरी माफिया एकदम परफेक्ट है, कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने जो आर्मी बनाई है उसमें हर एक बंदा परफेक्ट है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपने काम को करते हैं, पर तूने मुझे गलत साबित कर दिया। अब तुझे मरना होगा फ्रैंक, तुझे मरना होगा। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। आपने एल्बर्ट चाचा जी की बातें सुनी ली है, बेचारे को काफी दुख है, इसलिए इसको बेटे की तरह पाला एंड अब यहाँ पे इसको खोल डाला। वाह बेटे वाह। अबे फ्रैंक पागल के एल्बर्ट भैया पागल हो गए। बस शांति महाराज शांति। अरे शॉर्ट गन फट गया वो, ये पागल हो गया बंदा। मेरा मूड खराब हो चुका है, मेरे को प्लीज एक जगह पर छोड़ दो, क्योंकि मैं फिलहाल वहां पर जाकर जाना चाहता हूँ और वहां पर मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं बोला ठीक है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। सही बात है भाई, बेटे की तरह इसको रखा था और सीधी सी बात, एक तरीके से बेटे को मार दिया तो मूड तो खराब हो गई।